ओके, जैसे कि आज हमने देखा काफी इमोशनल सॉन्ग है, सॉन्ग के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे सर, किस तरीके का सॉन्ग है? गाने का नाम है मांगू कसमें, मतलब कैसे मांगू, किस मुंह से मांगू। मुझे ऐसा लगता है कि जब से हम पैदा होते हैं तब से लेके जब तक हम होते हैं, एक वो आदमी जिसके पास हम रोज़ कुछ ना कुछ मांगते हैं, वो हमारी माँ है। जितना भगवान के पास भी नहीं मांगते, शायद उससे ज़्यादा माँ से मांगते हैं। माँ बेटे की कहानी है, और वो ये वो गाना है जहाँ वो भगवान से माँ के लिए कुछ मांग रहा है, और उसको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे शुरुआत करें, क्या मांगे, मतलब क्या क्या मांगे माँ के लिए। खुशी मांगे, ज़िंदगी मांगे, लंबी उम्र मांगे, दीर्घायु मांगे, क्या मांगे। तो उस इमोशन को लेकर ये गाना है मांगू कसम, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी टची नंबर, वेरी इमोशनल नंबर, बहुत दिल के करीब गाना है हम सब के। और बहुत मज़ा आया कि आज सारे यूनिट की माओं के साथ इसको लॉन्च किया हमने, तो जिस माँ के लिए गाना है उस माँ के सामने उसको लॉन्च किया। आई थिंक वे वेरी हैप्पी। कितना इमोशनल था आपके लिए? बहुत इमोशनल था, मेरी माँ भी आई है, आई थिंक वेरी इमोशनल। यहाँ बाकी जो सारे दोस्तों की माँ है वो भी माँ ही है, और हर वो माँ जो ये गाना देखेगी वो भी माँ है। तो आई जस्ट होप कि ये गाना हर माँ तक पहुँचे, और ये गाना हर माँ को पसंद आए, और हर बेटे को अपनी माँ पे, और हर माँ को अपने बेटे पे एक बार फिर नाज हो ये पिक्चर देखे। जैसे कि हमने देखा कि एक्ट कितना मुश्किल था आपके लिए करना, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आप काफ़ी सैड हैं, जा रहे हैं इधर उधर, पैसे मांग रहे हैं, घूम रहे हैं, तो वो कितना मुश्किल था आपके लिए करना? मुश्किल था, मेरा कम्फर्ट जोन नहीं है, मेरी इमेज नहीं है, मैं रोमांटिक हीरो की फिल्में ज़्यादा करता हूँ। तो मेरे लिए आई थिंक इसका क्रेडिट गणेश दादा को जाता है, गणेश सर को जाता है, जिन्होंने मुझे एक अलग किरदार दिया निभाने को, एंड इस लेवल की, इस जॉनर की फिल्म दी। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी थैंकफुल टू हिम, एंड आई होप कि मैं उनकी उम्मीद पे खरा उतरा हूँ, एंड आई होप दैट आई हैव डन जस्टिस टू द फिल्म। चार और गाने आएंगे, आई थिंक वेट एंड वॉच। ओके, ट्रेलर के बारे में बताइए, ट्रेलर कब आने वाला है? एक तीन चार दिन में। ट्रेलर आएगा, तीन चार गाने आएंगे, एंड 4 अगस्त को पिक्चर आएगी आपके नज़दीकी सिनेमाघर में। मुझे यकीन है कि ये हर माँ बेटे की कहानी है, आप ज़रूर थिएटर में जाएंगे और इसको देखेंगे, इसको एक्सपीरियंस करेंगे। ओके, आपके मम्मी को कैसा लगा ये गाना, उनका क्या रिएक्शन था जब आपने पहली बार उन्हें गाना? आई थिंक शी वाज चोक्ड, वो कुछ कह नहीं पाई, एंड मुझे ऐसा लगता है कि जब माँ कुछ नहीं कहती तब वो सबसे ज़्यादा कहती है। आपको मतलब आपके लिए भी थोड़ा इतना इमोशनल रहा ये गाना जितना कि उन्होंने निकाला? एब्सोल्युटली। तो और कोई आपने प्रिपरेशन करी इस गाने के लिए? हाँ नहीं, मतलब आई हैव डन माय बेस्ट, इस पूरी पिक्चर के लिए मैंने बहुत प्रिपरेशन की है, ये रोल मेरा नहीं है, कंफर्ट मेरा नहीं है, आई हैव रियली रियली ट्राइड टू गेट आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन एंड डू दिस थिंग। एक्सट्रीमली एक्साइटेड, एक्सट्रीमली नर्वस। क्या कहना चाहेंगे? 4 अगस्त को पिक्चर आ रही है, स्वामी तीनी जगह सा भिखारी, आपके नज़दीकी सिनेमाघर में। माँ बेटे की कहानी है, हर माँ बेटे की कहानी है, ज़रूर जाइए, अपनी माँ को लेकर जाइए, अपने बच्चों को लेकर जाइए, एंड आई होप एंड आई प्रे कि आपको पिक्चर अच्छी लगे। थैंक यू।